हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल। अब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी हैवी स्टोन वर्क वाली बनारसी सिल्क साड़ी को ड्रॉप करने का तरीका। सो अगर आप बिगनर हैं, आपको साड़ी बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं आता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी किस तरह से आप अपनी सिल्क की साड़ी को ईजली एंड परफेक्टली ड्रॉप कर सकती हैं। अगर आप इस तरह से ड्रॉप करेंगे, आपका जो लुक है वो स्लिम के साथ साथ टॉल नज़र आएगा। सो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने पेटीकोट फुटवेयर एंड ब्लाउज वेयर कर लिया है। मेरा जो फुटवेयर है वो हील वाला, इसलिए मैं पहले ही वेयर कर ली हूँ ताकि साड़ी बांधने के बाद ऊँची नीची ना हो जाए। एंड यहाँ जो पेटीकोट वेयर किया है ये शेप वेयर पेटीकोट है, जिसमें डोरी भी आपको मिल जाएगी तो आपकी साड़ी को ईजली से होल्ड कर लेगी। एंड ये जो साड़ी है इसका फैब्रिक बनारसी सिल्क है। एंड ये वाला पोर्शन इसका पल्लू है, पल्लू पे बहुत ही हैवी स्टोन वर्क हो रखा है। ओवरऑल साड़ी पे आपको स्टोन वर्क देखने को मिल जाएगी, तो पल्लू वाले पोर्शन को रखना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पे जाना है। बाय द वे, अगर आपको ये साड़ी परचेज करनी है तो इसकी परचेज डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले हमें साड़ी का आखिरी सिरा इस तरह से लेना है एंड राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड तक सामने के पार्ट को अच्छे से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करना है। अब ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कमर में टकिंग करेंगे, तो पहले मैं राइट में टक करती हूँ फिर लेफ्ट में। इसके बाद जो सामने का पार्ट बच जाता है इसको अच्छे से पेटीकोट में इंसर्ट करना होता है ताकि फैब्रिक सामने फंस के टमी फुली फुली ना दिखे। सामने का पार्ट टक हो जाने के बाद साड़ी को लेते हुए वन राउंड लेंगे एंड यहाँ राइट साइड में आएंगे तो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को सेट करना है। सामने की तरफ थोड़ा सा टाइटली से खींचते हुए राइट में टक करेंगे। इसके बाद हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। सो इस तरह से हमारी फर्स्ट राउंड की बेसिक टकिंग है वो कम्प्लीट हो जाती है। अब हम साड़ी को लेते हैं उसके पल्लू वाले पोर्शन पे आएंगे, सीधे नहीं जाते, नहीं तो साड़ी बीच से उलट पलट हो सकती है। सो ये मेरी साड़ी का पल्लू है, बाकी साड़ी को सामने छोड़ेंगे, केवल पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालना है। एंड यहाँ पर जो पल्लू का दूसरा कॉर्नर दिख रहा है इसे लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है। पल्लू सामने की तरफ आ चुका है, आप राइट लेफ्ट कहीं से भी प्लीट उठा सकती हैं, तरीका सेम ही रहता है। तो मैं यहाँ पर राइट से उठाऊंगी, इसे लेफ्ट साइड के पल्लू के कॉर्नर को कमर में टकिंग किया ताकि प्लीट्स बनाने में आसानी हो। और सामने की टू फिंगर को कैंची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाना है। बैक के स्मॉल फिंगर और थंब से आपको उतनी ही दूरी पर पकड़ना है जितनी चौड़ी आपको प्लीट्स बनानी है। अब इसी को फॉलो करते हुए हम वन बाय वन प्लीट बनाएंगे। यहाँ पर जब आप प्लीट बनाते हुए आएंगे तो जो सबसे ऊपर आपकी जो ये प्लीट है ना, ये सभी प्लीट से हाफ इंच चौड़ी होनी चाहिए ताकि अंदर से अनइवन प्लीट्स नज़र ना आए। अब देखिए एक एक प्लीट को अच्छे से पकड़ते हुए अरेंज करेंगे। एंड यहाँ पर अगर आप बिगनर हैं तो इस वाले पॉइंट पर सिक्योर ज़रूर करें ताकि प्लीट्स छूट जाए तो आपको दोबारा न बनानी पड़े। तो छोटी सी सेफ्टी पिन की हेल्प से मैंने यहाँ पर प्लीट को सिक्योर कर लिया है। लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, फैब्रिक को आगे लेकर आएंगे, थोड़ा सा झटकना है एंड थोड़ी सी दूरी पर देखिए हम साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट हमें सेट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए इतना पोर्शन अरेंज हो गया। इसे बैठाने के लिए हम थाई पर रखते हुए या टमी के ठीक सामने रखते हुए रब करेंगे या फिर घुटने के पास। तो इस तरह से रब करने से हमारी जो प्लीट की फैब्रिक है वो अच्छे से बैठ जाती है। लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखते हुए पल्लू की प्लीट्स को एंड देखिए आगे की जो प्लीट है उन्हें हम अरेंज करेंगे। तो वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ना है, झटकना है और अरेंज करना है। झटकने से क्या होता है कि हमें प्लीट्स नज़र आती है और हम इजली से अरेंज कर पाते हैं। अगेन रब करके इन प्लीट को बैठा लेंगे। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं घुटने से नीचे रख रही हूँ क्योंकि पल्लू लॉन्ग लेने से हमारा जो लुक है वो टॉल नज़र आता है। सामने की तरफ थोड़ी सी दूरी पर आपको प्लीट को सेट करना है ताकि सेफ्टी पिन लगाने के बाद पल्लू को सेट करने में आसानी हो। अब सेफ्टी पिन लेनी है एंड ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करना है। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है उससे एक या दो इंच बैक में जाएंगे। पल्लू की प्लेट्स एंड ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है। सेफ्टी पिन आपको ब्लाउज के अंदर से लगानी है। जब उसकी नोक बाहर की तरफ आ जाए तो फिर थोड़ी सी दूरी पर अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए सेफ्टी पिन के लॉक को लॉक करते हैं। सो इस तरह से अगर आप पल्लू को सिक्योर करेंगे, पल्लू आपका सामने की तरफ बार बार नहीं गिरेगा, अच्छे से शोल्डर पे सेट रहेगा। अब हम सामने की तरफ आएंगे एंड यहाँ पर देखिए जो पल्लू का अंदर वाला बॉर्डर है इसको अपने चेस्ट पर सेट करना है। थोड़ा सा क्रॉस पे रखते हुए सेट करेंगे एंड इस तरह से हम एक एक प्लीट को पहले ही अरेंज करेंगे ताकि कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो वो आपका अंदर की तरफ फंसा न रहे और सभी प्लीट्स उभर के नजर आए। अब यहाँ पर देखिए प्लीट अच्छे से सेट हो गई है। तो जो लेफ्ट साइड पे हमारा पोर्शन आ रहा है ना हिप पे, इसको हमें सेट करना है। तो ये जो पल्लू की प्लीट है ये एज इट इज़ रहे, इसके लिए मैं बाद में आपको बताऊंगी एक छोटी सी टिप्स। तो सबसे पहले हम हिप वाले पोर्शन को देखिए सेट करेंगे। तो इस तरह से
बॉर्डर को सेट करते हुए राइट वाले पैर तक लेकर आना है और यहाँ पर पेटीकोट के साथ पकड़ के इस फैब्रिक को सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के लिए मैं इस तरह की बड़ी सी सेफ्टी पिन लेती हूँ, इसमें प्लास्टिक अटैच कर लेती हूँ ताकि साड़ी इसमें फंस के ना फटे। इसके बाद पेटीकोट को लेते हुए हम ज़िगज़ैग स्टाइल में सेफ्टी पिन लगाएंगे जैसे कि स्टिचिंग करते हो। ऐसा करने से साड़ी बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती और हमारा हिप पे बॉर्डर भी काफ़ी अच्छे से सेट रहता है। अब हिप का पोर्शन एक्स्ट्रा फिटेड करना हो या फिर हिप की प्लीटें बनानी हो तो इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक आपको उठाते हो, राइट की तरफ खींचते हो, ट्विस्ट करना अंदर की तरफ एंड इस ट्विस्ट वाले पार्ट को देखिए कमर में टकिंग करना है। अगर आपको लगता है कि ये टकिंग निकल जाएगी तो यहाँ पर आप सिक्योर कर सकें इस तरह की साड़ी पिन की हेल्प से, बट ये टकिंग निकलती नहीं है सो मैं इसे यहाँ पर रिमूव कर लूँगी। बट आप डबल सिक्योरिटी के लिए इसे सिक्योर कर सकती हैं। हिप पे जो प्लीटें आई है इन्हें भी हम वन बाई वन इस तरह से थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। अब हिप वाला पोर्शन हमारा बन चुका है तो हमारे पास जितनी भी साड़ियाँ बच जाती हैं इनकी हम प्लीट्स बनाएंगे। सो यहाँ पर प्लीट्स आप राइट लेफ्ट किसी भी हैंड से उठा सकती हैं, तरीका जो रहता है वो सेम ही रहता है। सो मैं यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड से उठाऊंगी। सबसे पहले अंदर से आपको एक बित्ते के करीब फैब्रिक छोड़ना होता है, अंदर कभी भी आपको फैब्रिक जरूर छोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए प्लीट उठाने के लिए थंब और उसके बगल वाली थ्री फिंगर से फैब्रिक को पकड़ना है, जो स्मॉल फिंगर अलग दिख रही है इसमें फैब्रिक को फंसाना है। फिंगर के ऊपर से आपकी देखिए फैब्रिक घूमकर जाती है और सामने लाकर थंब से दबाना है। इस प्रोसेस से प्लीट बनाना मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। आप चौड़ी चौड़ी प्लीट्स भी बना सकती हैं और हैवी साड़ियों की भी प्लीट्स उठा सकती हैं, बट अगर आप बिगनर हैं तो आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी स्मॉल फिंगर ना निकले, तो इसे निकालने के लिए टमी का सहारा लेना है। और देखिए अपने राइट वाले हैंड से किस तरह से मैं प्लीट को होल्ड कर ली हूँ दबा के, फिर आपकी स्मॉल फिंगर इजीली से निकल जाएगी और आप इस तरह से प्लीट बना सकती हैं। अब यहाँ पर जब आप प्लीट बनाते हुए आएंगी तो ऊपर की तरफ आपको एक प्लीट का फैब्रिक छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए नेवा से जो चार अंगुल आगे जाते हैं ना, तो वही फैब्रिक यहाँ पर छोड़ना होता है। अब जो प्लीटें बन गई इसे खोलते हुए इस तरह से थोड़ा सा झटकना है और ऊपर साइड से अरेंज करेंगे। सो बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में हाफ ऑफ सेंटीमीटर का गैप भी रखते हुए हम प्लीट्स को अरेंज करते हैं। इस तरह से अरेंज करने से सभी प्लीट्स उभर के नज़र आती है और नीचे से अनइवन फॉल साइड भी नहीं रहती है। अब सभी प्लीट को टमी के ठीक सामने रखते हुए पकड़ लिया कि पहली प्लीट को खोलेंगे, राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको लेते हुए हम पहले प्लीट को चौड़ी करेंगे। तो इसीलिए हम ऊपर साइड थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हैं ताकि हमारी फर्स्ट प्लीट आसानी से सेट हो सके। अब अंदर से एक एक प्लीट को आपको यहाँ पर पकड़ना है, इस तरह से पकड़ते हुए झटक लेना है। सो यहाँ पर हमारी प्लीट अच्छे से अरेंज हो चुकी है, बन चुकी है, बट आप देखिए काफ़ी ज़्यादा फूली फूली बिखरी बिखरी है तो इन्हें हमें बैठाना है। तो बैठाने के लिए सबसे पहले इन प्लीट को हम सिक्योर करेंगे। तो ऊपर की तरफ देखिए थोड़ी सी दूरी पर हम साइड से वन बाई वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज करेंगे। अरेंज हो जाने के बाद यहाँ पर हम सिक्योर करेंगे। अब सिक्योर करने के लिए मैं इस तरह की साड़ी पिन का यूज़ करती हूँ क्योंकि ये साड़ी पिन हमारी साड़ी को डैमेज भी नहीं करती और अच्छे से प्लीट को सिक्योर रखती है। अब हमारी प्लीट सिक्योर हो गई है तो हम देखिए अच्छे से प्लीट को पकड़ते हुए यहाँ पर थोड़ा सा झटक देंगे और थोड़ी सी दूरी पे देखिए साइड से वन बाई वन हम एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। तो इस तरह से हम जैसे शोल्डर की प्लीट को थोड़ा थोड़ा करके सेट करते ना, उसी तरह से कमर की भी प्लीट को सेट करना होता है। ख़ास करके सिल्क की साड़ी हो या फिर बनारसी सिल्क की साड़ी हो, आपको इनकी प्लीटों को ज़रूर बैठाना चाहिए, नहीं तो फूली फूली रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने इतना पोर्शन अरेंज कर लिया तो इस वाले पार्ट पर सिक्योर करना है। क्योंकि थोड़ी देर के लिए सिक्योर करना है तो मैं कपड़े सुखाने वाली चिमटी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चिमटी ना हो तो आप क्लचर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब टमी के ठीक सामने रखते हुए जितना पोर्शन अरेंज किया इसे हैंड से दबाते हुए प्रेस कर लेना है। इस तरह से इतना पोर्शन हमने सेट कर लिया तो जहाँ चिमटी लगाई थी वहाँ पकड़ के थोड़ा सा झटकेंगे और फिर थोड़ी सी दूरी पर देखिए हम साइड से वन बाई वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। तो आप जब भी अपनी कॉटन की साड़ी या फिर सिल्क की साड़ी हो उनकी प्लीटों को एक बार ज़रूर बैठाएं ताकि आपकी जो प्लीट के लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। ऐसा ना हो कि वो पूरी फूली फूली बिखरी बिखरी दिख रही हो तो उससे लुक काफ़ी बेकार सा दिखता है। अब देखिए हमने अरेंज कर लिया ना, तो ऊपर से मैं फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ आ रही हूँ ताकि ये जो प्लीट की फैब्रिक है वो अच्छे से बैठ जाए। और जो नीचे हमारी फॉल साइड की बॉर्डर होती है ना, यहाँ पर आपको अच्छे से प्लीट को प्रेस करना होता है। तो देखिए इस तरह से आपको अच्छे से अरेंज करना है ताकि कोई प्लीट छूटे ना या फिर अंदर दबी ना रह जाए। और यहाँ पर आपको टाइटली से हैंड से दबाना होता है, बहुत ही अच्छे से अगर आप प्रेस करेंगे ना तो बहुत ही टाइम तक आपकी जो प्लीट है वो बैठी रहेगी। अब हमारी प्लीट देखिए अच्छे से सेट हो गई है। तो अब इन प्लीट को हम अपने टमी के ठीक सामने रखते हुए मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। फाइनली वहीं पर हम साइड से वन बाई वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज करेंगे। एक ही बार में पकड़ के टक नहीं करते, नहीं तो हो सकता है कोई प्लीट अंदर की तरफ दब जाए। अब देखिए नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्लीट को हम पेटीकोट में टकिंग करेंगे। टक करते वक्त आपको सामने की प्लीट को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक फैब्रिक अंदर तक ना चली जाए।
प्लीट तक हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कोई प्लीट यहाँ पर अंदर की तरफ दब गई तो हल्का हल्का स्प्रेड कर ले, इसी को कहते हैं 1/2 सेंटीमीटर का गैपिंग। अब जो राइट साइड की तरफ थोड़ा बहुत पार्ट ओपन है, इसको आपको यहीं पर टकिंग करना है। सामने की प्लीट को दबाए रखिएगा ताकि वो इधर उधर ना हो, और राइट साइड का पार्ट आपका पल्लू से कवर हो जाएगा। पल्लू की प्लीट्स को एक बार फिर से अच्छे से ठीक कर लेना है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा की चिमटी और सेफ्टी पिन लगा रखी है, इसे हम रिमूव करेंगे। और अब आती है हमारी शोल्डर की जो प्लीट है, इन्हें टाइटली से सेट करने की बारी, क्योंकि कई बार क्या होता है आप साइड रैप कर लेते हैं और ये वाला पाउडर देखिए अंदर वाला फैब्रिक जो है वो लूज हो जाता है। तो आपको लूज वाला फैब्रिक को खींचते हुए सामने लेकर आना है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ गया है, इसको आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है प्लीट की तरह। तो बस आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को खींचते हुए इस तरह से प्लीट बना लेनी है, और जो ऊपर की प्लीट है उनके साथ देखिए पकड़ लेना है। फर्स्ट प्लीट को आपको हटाना है और यहाँ पर देखिए ब्लाउज के साथ इन प्लीटों को पकड़ लेना है, और अंदर से छोटी सी सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करना है। इस तरह से सेफ्टी पिन लगाएंगे ना तो आपकी सेफ्टी पिन भी देखिए नज़र नहीं आएगी और आपकी जो प्लीट है वो भी अच्छे से सेट रहेगी। अब आप पूरे दिन जब आप इस तरह से साड़ी को ड्रॉप करके रहेंगे ना तो आपकी प्लीट इधर उधर नहीं होने वाली और लुक भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। सो इस तरह से आप अपनी बनारसी सिल्क साड़ी को ईजिली एंड परफेक्टली ड्रॉप कर सकती हैं। इससे आपका लुक देखिए काफ़ी ज़्यादा स्लिम एंड टॉल नज़र आएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।